मैंने अपना होमवर्क कर लिया। जान मुझे तो अपना होमवर्क कंप्लीट करने दो, शोर मत करो। अच्छा मुराद भाई, सॉरी। मुराद भाई क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी मैथ की कॉपी नहीं मिल रही जान, शायद मैं कहीं रखकर भूल गया हूँ। मुराद भाई स्कूल में तो नहीं भूला है या गलती से किसी दोस्त के बैग में चली गई हो? नहीं जान, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कॉपी घर लेकर आया था। जान मुराद, अब दोनों ने अपना होमवर्क कर लिया है? जी अम्मी, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। शाबाश। क्या हुआ मुराद बेटा, परेशान लग रहे हो? वो अम्मी जान, मेरी मैथ्स की कॉपी नहीं मिल रही, मैंने हर जगह ढूंढ ली है। ऐसा करो, एक बार फिर अच्छी तरह से ढूंढो, अगर नहीं मिली तो मैं फिर शाम को खुद ढूंढूंगी। ठीक है अम्मी जान। अच्छा बेटा, मैं जरा टेलर के पास जा रही हूँ, मरियम सो रही है, उसका ख्याल रखना। और जान बेटा, शाम होने वाली है, तुम बाहर मत जाना। जी अम्मी। सुन लिया ना जान, बाहर मत जाना। जान देखो बाहर कौन है, मैं होमवर्क कर रहा हूँ। अच्छा मुराद भाई, आप आराम से अपना होमवर्क करें, मैं हूँ ना। जान आ जाओ, पार्क में जाकर खेलते हैं। मैं नहीं आ सकता, अम्मी ने कहा है शाम होने वाली है, बाहर मत जाना। ऐसा करो तुम लोग अंदर आ जाओ, मिलकर खेलते हैं। हाँ ये ठीक है, चलो आज जान के घर पर ही खेलते हैं। चलो गुड़िया आ जाओ। एलिफ, कुछ मजेदार सा खेल खेलेंगे, ठीक है ना? ठीक है, मगर हम घर में क्या खेलेंगे ये सोचो। शोर मत मचाना, मुराद भाई होमवर्क कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब होंगे, और मरियम भी सो रही है। बताओ क्या खेलें? खिलौनों से खेलते हैं। नहीं, कुछ और खेलते हैं। ऐसा करते हैं, हम सब छुपन छुपाई खेलते हैं। मगर इस खेल में तो शोर होगा। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोलो। घर घर खेले। हाँ ये ठीक है, घर घर खेलना मेरी फेवरेट गेम है, लेकिन घर बनाएंगे कैसे? मेरे पास तो हाउस है, लेकिन जान के पास नहीं। ऐसा करते हैं, हम सोफों के कुशन से घर बनाते हैं। लेकिन कुशन से घर कैसे बन सकता है? मैं बताता हूँ, आओ। ये रखा। ये हमारा घर बन गया, कितना अच्छा बना है ना। चलो इस घर के अंदर बैठते हैं। ये घर तो बहुत ही छोटा है, हमें बड़ा घर बनाना चाहिए था। चलो दोबारा बनाएं। नहीं, हमने इतनी मुश्किल से ये घर बनाया है, इसे खराब नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं, हम एक और घर बनाते हैं, फिर मेहमान बनके एक दूसरे के घर आएंगे। हाँ ठीक है, चलो एक और घर बनाते हैं, मुझे घर बनाने में मजा आ रहा है। वैसे भी मैं बड़ा होकर आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ। क्या आर्किटेक्ट, वो क्या होता है? जान आप सब क्यों इतना शोर मचा रहे हो? मरियम सो रही है और मैं पढ़ रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। अरे वाह, ये रही मेरी कॉपी, ये देखो सोफे के कुशन के नीचे थी, जरूर मरियम ने यहाँ पे रखी होगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ मुराद भाई, देखा घर घर खेलने से आपकी कॉपी मिल गई। बच्चों ये सब क्या है? उफ, ये कमरे का क्या हाल बना रखा है। अम्मी जान, हम घर घर खेलना चाहते थे, लेकिन हमारे पास घर नहीं था, इसलिए हमने सोफा के कुशन से घर बना लिया। ये देखिए हमारा घर, अच्छा है ना? बहुत प्यारा घर बनाया है आप सब ने, ये तो बहुत क्रिएटिव आइडिया है। लेकिन खेलने के बाद चीजों को समेट लेना, क्योंकि चीजें बिखेर कर रखने से घर साफ सुथरा नहीं रहता। ठीक है अम्मी जान। अम्मी ये देखे, मेरी मैथ की कॉपी भी मिल गई। ओह ये यहाँ पड़ी थी, और तुम परेशान हो रहे थे। जब भी कोई चीज गुम हो जाए उसे पहले अच्छी तरह से तलाश कर लेना चाहिए। चलो घर घर खेलने से ये फायदा तो हुआ, तुम्हारी मैथ की कॉपी मिल गई।
अम्मी जान मिर्च बता रहा था कि उसे बड़े होकर क्या बनने का शौक है। आर्किटेक्ट। हाँ अम्मी जान, ये आर्किटेक्ट क्या होता है? आर्किटेक्ट उसे कहते हैं जो घरों के नक्शे डिजाइन करता है। अच्छा चलो मिर्च, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम तुमसे अपने घरों के नक्शे डिजाइन करवाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं खुद अपने सब दोस्तों के घरों के नक्शे डिजाइन करूँगा। लेकिन कुशन्स के घर नहीं, पक्के घर। हमें कुशन्स के घर बनाने का बहुत मजा आया और घर बनाते बनाते हमने बहुत सी बातें सीखी, जैसा कि अगर कोई चीज गुम हो जाए तो परेशान होने की बजाय उसे अच्छी तरह से ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, और ये भी सीखा कि आर्किटेक्ट किसे कहते हैं। बाद में क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी इस बुक में बहुत से पेजेस बाकी हैं।